नशा मुक्ति अभियान को लेकर आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी। जिले में नशा मुक्ति अभियान में कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के निर्देश अनुसार आबकारी विभाग अधिकारी जगन्नाथ किराड़े, आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक नीतीश पवार द्वारा लगातार होटलों और ढाबों सहित अन्य जगह अवैध शराब को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उप निरीक्षक नीतीश पवार ने कार्रवाई करते हुए शहर में अवैध शराब विक्रेताओं के दिल में खौफ बनाते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा अभी तक मावन, विनायक, खेड़ी, पिपरोदा, खुर्द आदि जगह अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस तरह होटल और ढाबों पर पीने एवं पिलाने वालों को और सार्वजनिक जगह पर शराब का सेवन करने पर आबकारी अधिनियम के तहत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बताइए सर, ये कार्रवाई जो 1-7 दिन की हुई है, इसमें क्या क्या मिला है? ये हमारे कलेक्टर महोदय फ्रैंक नोबल साहब और जिला आबकारी अधिकारी जगन्नाथ किराड़े साहब के निर्देशन में लगातार नशा मुक्ति अभियान जो कि मध्य प्रदेश शासन का लगातार इस पर फोकस बना हुआ है, उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें होटल ढाबे जो अवैध लोग दारू पिला रहे हैं उनके ऊपर लगातार होटल वालों पर, पीने वालों पर प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। साथ ही गुना सिटी के आसपास जो छोटे छोटे गाँव हैं, जैसे विनायक खेड़ी है, आपका पगारा है, हरिपुर, पिपरौदा खुर्द, ठीक है, और भी मालपुर, इन अन्य गांवों में लगातार कार्रवाई की गई, जहां पर कच्ची दारू बनाने वाले के ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। पिपरौदा खुर्द में तो सर लगातार दारू, अवैध दारू का किया जाता है वहां पे कारोबार, तो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वहां पे जो कारोबार कर रहे हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से अभी एक के ऊपर CM हेल्पलाइन भी की गई है, उस पर भी हमने कार्रवाई करा। ठीक है।